तीन रंगों की परियां। बहुत समय पहले की बात है, दूर किसी गांव में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही थी। गर्मी से गांव वालों का बुरा हाल था, यहां तक कि प्यास से जानवर भी मर रहे थे। वहीं उसी गांव में एक कुंती नाम की बूढ़ी दादी माँ रहती थी। दादी के 7 बच्चे थे, परंतु कड़ी गर्मी के कारण कोई भी जीवित नहीं बचा था। इस बात से परेशान होकर दादी माँ हमेशा परेशान रहती और अकेले उदास बैठी रहती। दादी माँ सोचती थी कि अगर ऐसा ही हुआ तो इस दुनिया पर इंसान खत्म हो जाएंगे। इस सब से परेशान होकर एक दिन दादी माँ मंदिर जाती है और भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है। हे भगवान, क्या अब धरती पर मौसम में कोई भी बदलाव नहीं होगा? क्या हमें इस कड़ी धूप में यूं ही मरते रहना होगा? गांव वालों का गर्मी से बुरा हाल है, लोग प्यास से मर रहे हैं, मुझे अब ये दुख और नहीं देखा जाता। दादी माँ भगवान से प्रार्थना कर ही रही होती है कि तभी वहाँ भागते हुए गांव की एक औरत आ जाती है। दादी माँ, चलकर देखना मेरे पति को क्या हो गया, वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। ये सुनकर दादी माँ जल्दी से उस औरत के घर जाती है। वहाँ जाकर वो देखती है कि उसका पति तो अब इस दुनिया में रहा ही नहीं। हे भगवान, ये तो अब इस दुनिया में नहीं रहा, मैं तो बर्बाद हो गई। मेरा पति मुझे अकेले छोड़कर स्वर्ग से धार गया। हे भगवान, प्लीज मुझे भी अपने पास बुला लो, मैं इस दुनिया में नहीं रहना चाहती। क्या कोई रास्ता नहीं है इस मौसम की मनमानी को रोकने का? बूढ़ी दादी से लोगों का ही दुख नहीं देखा गया और वो मौसम की स्थिति को ठीक करने के लिए भगवान से बात करने का सोचती है। ऐसा सोचकर वो एक दिन भगवान की खोज में निकल जाती है। उससे पहले वो उस विधवा औरत के पास जाती है। मेरी बेटी, मैं भगवान की खोज में जा रही हूँ, मेरे लौटने तक तुम मेरी इस कुटिया का ध्यान रखना, और अगर मैं ना आई तो मेरी इस कुटिया में रोज एक दिया जला देना। प्लीज दादी माँ, आप ऐसा मत बोलिए, आप जरूर आएंगे, आपको आना ही होगा, हमें आपकी ईमानदारी पर पूरा विश्वास है। इतना कहकर बूढ़ी दादी वहाँ से पैदल ही भगवान की खोज में निकल जाती है। चलते चलते बूढ़ी दादी कई किलोमीटर जंगल में चली जाती है। रास्ते में बूढ़ी दादी को बहुत प्यास लगती है, तो वो एक नदी के किनारे आराम करने लगती है। थोड़ी देर बाद जब बूढ़ी दादी पानी पीने नदी किनारे जाती है, तो उसे नदी में एक मगरमच्छ दिखाई देता है। प्लीज मेरी मदद कीजिए, मेरी तबीयत बहुत खराब है, अगर तुम मुझे थोड़ा धक्का लगाकर नदी के बीचों बीच छोड़ दो तो मैं बच जाऊंगा। मगरमच्छ की ये बातें सुनकर वो बूढ़ी दादी बिना डरे उसे नदी के बीच धक्का देने को तैयार हो जाती है। और इस तरह बूढ़ी दादी थोड़ा सहारा लगाकर उस मगरमच्छ को नदी के बीचों बीच छोड़ देती है। बूढ़ी दादी का ये स्वभाव देखकर मगरमच्छ बहुत खुश होता है और उसको धन्यवाद देता है। धन्यवाद दादी माँ, आपने मुझे नदी के बीचों बीच ला दिया, मैं तुम्हें ये जादुई 3 मोती दे रहा हूँ। इन मोतियों का इस्तेमाल तुम जब करना जब तुम्हारे पास कोई चारा ना बचे। बूढ़ी अम्मा मगरमच्छ से वो 3 मोती ले लेती है और नदी से बाहर निकल रही होती है कि तभी अचानक नदी में बाढ़ आ जाती है। दादी माँ नदी में डूब जाती है। थोड़ी देर बाद जब दादी माँ की आंखें खुलती है तो वो अपने आप को एक बिस्तर में पाती है। अरे ये कहाँ आ गई मैं, मुझे तो संसार की तकलीफ दूर करने के लिए भगवान के पास जाना था। तभी वहाँ पर परीलोक की रानी आ जाती है। आप सही जगह आई है दादी माँ, ये परलोक है, भगवान तक जाने का रास्ता इस परलोक के महल से होते हुए जाता है, परंतु उससे पहले तुम्हें मेरी 3 बेटियों की तकलीफ दूर करनी होगी। अच्छा ठीक है, मुझे ये शर्त भी मंजूर है। इस तरह दादी माँ रानी परी के साथ बारी बारी से 3 परियों के कमरे में जाती है।
बूढ़ी अम्मा नोटिस करती है कि पहली परी को बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है और दूसरी परी को बहुत ज्यादा ठंड लगती है और तीसरी परी हमेशा रोती रहती है। इसके बाद अम्मा को उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाता है और वो तीनों परियों के साथ हॉल में आ जाती है। रानी परी, आपकी बेटियों की प्रॉब्लम जब भी सॉल्व होगी, जब आप मुझ पर विश्वास करके अपनी तीनों बेटियों को चार चार महीनों के लिए हमारे पृथ्वी लोक पर भेजेंगे। मुझे आप पर विश्वास है अम्मा, आप चाहे तो मेरी तीनों बेटियों को बारी बारी से पृथ्वी लोक पर ले जा सकती हैं। फिर रानी तीनों परियों से कहती है, मेरे बच्चों, तुम्हें पृथ्वी लोक पर जाना होगा केवल चार महीने के लिए। इम्पॉसिबल, हम कहीं नहीं जाएंगे किसी भी हाल में। बूढ़ी अम्मा परियों के मुंह से ना सुनते ही मगरमच्छ के देह वे तीनों मोती उनके हाथों में रखती है। दादी माँ के ऐसा करते ही तीनों परियां पृथ्वी लोक पर जाने के लिए हाँ बोल देती है। चलिए दादी माँ, हम तीनों राजकुमारी आपके साथ जाने के लिए तैयार हैं। ठीक है, सबसे पहले तुम चलो। तुम्हारे जाने से हमारे पृथ्वी लोक पर चार महीने के लिए सर्दी आ जाएगी और लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। फिर बूढ़ी अम्मा के साथ बड़ी राजकुमारी चली जाती है और उस दिन के बाद पृथ्वी लोक पर सर्दियां आ जाती है और ठीक चार महीने बाद बारिश और फिर वापस से गर्मी। इस तरह चार चार महीने के मौसम सेट हो जाते हैं। ठंडी लगने वाली राजकुमारी की मदद से ठंड का मौसम और रोने वाली राजकुमारी की मदद से बारिश और तीसरी राजकुमारी जैसे बहुत तेज गर्मी लगती थी उसकी मदद से गर्मी आ जाती थी। तभी से मौसम डिसाइड हो जाते हैं जो युगों युगों से चलते आ रहे हैं।